हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। और कोई भी कन्फ्यूजन या कमेंट में होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब जल्द से जल्द दे दूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा RRB के ग्रुप डी के जो कट ऑफ होने वाला है, वो RRB के ऑफिशियल पेज से मैं यहाँ पे निकल करके मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो बना के आप लोगों को बता देता हूँ। ये एक मेन कट ऑफ है जिसके लिए आपको यहाँ पे देखना ज़रूरी है, जिसके अंदर आप लोग आपका जो कट ऑफ मार्क्स है आप लोग जान पाएंगे। इसके साथ साथ मैं दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ कि टोटल वैकेंसी जो था यहाँ पर 62,907, उसके साथ साथ टोटल एप्लीकेंट जो है 1.89 करोड़, जो कि यहाँ पे टोटल एप्लीकेंट हुआ था। इसके साथ साथ अपीयर इन एग्ज़ाम जो लोग अटेंडेंट था एग्ज़ाम में, उन लोगों के लिए उन लोगों है 1.10 करोड़। इसके साथ साथ दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइज एक्सपेक्टिंग कटऑफ जो है होने वाला है जिस मार्क्स के, उसको भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा आफ्टर मार्क्स दोस्तों यहाँ पे। इसके साथ साथ दोस्तों जोन वाइज ऑल ओवर इंडिया जोन वाइज जो कि जो जो कट ऑफ है मैं उसको भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, मैं यहाँ पे जोन को पांच जोन को लेके यहाँ पे मैं भाग कर दिया है। जो फास्ट है वो हाई जोन, जिसके अंदर पांच मैं स्टेट दिया हुआ है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पांच सिटी दिया हुआ, उसके बाद दोस्तों मीडियम जोन जिसमें जिसके अंदर भी पांच सिटी है, उसके बाद जो लो जोन है उसके भी अंदर मैं यहाँ पे लिखा हुआ पांच सिटी दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ हाई जोन में क्या होता है। हाई जोन में यहाँ पर जो कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा होता है, इसके साथ साथ आपका कट ऑफ मार्क्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हाई जोन में यहाँ पर है, पहले यहाँ पर आप लोगों को बता देता कि यहाँ पे हाई जोन में यहाँ पे दिया हुआ है चंडीगढ़ हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको चंडीगढ़ के साथ साथ यहाँ पे आपको मुंबई एंड उसके साथ साथ दोस्तों मैं वहाँ पर उससे कि पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हाई जोन में हाई कट ऑफ जो है हाई होने वाला है। फिर भी आप लोग नहीं डरना, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कट ऑफ मार्क्स है उसके साथ साथ आपका नॉर्मलाइजेशन भी अब ऐड होगा। तो दोस्तों पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि जो लोग यहाँ पे फिज़िकल के लिए आप लोग अभी तक अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप लोग जल्द से जल्द जाके आप लोग प्रैक्टिस कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो जो है चंडीगढ़, मुंबई, इलाहाबाद, गोरखपुर एंड सिकंदराबाद, ये जो पांच जोन है ये हाई जोन होने वाला है। अब इसमें से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जनरल OBC एंड SC ST कैंडिडेट के लिए किस तरह की कट ऑफ होने वाला है, जिसके अगर इस कट ऑफ मार्क्स के बिल्कुल आसपास अगर आपके मार्क्स होता है तो आपका सिलेक्शन चांस जो कि होने वाला है। उसके साथ साथ आपको मान लीजिए आपका जो सिलेक्शन होगा, आपका मार्क्स जो इस कट ऑफ मार्क्स के थ्रू मतलब आगे पीछे होता है तो आपका जो कट ऑफ मार्क आपका जो है आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ 70% जो कैंडिडेट यहाँ पे 50% से का काम मिला है, तो उसे मैं आप लोगों को बता दूँ डरना नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो लोग 70% जो कैंडिडेट 50% से भी ज़्यादा 50% के ऊपर नाम जो नंबर है नहीं गेन कर पाया है, उसके साथ साथ दोस्तों ये जो हाई जोन है इससे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जनरल वालों के लिए क्या 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 कट ऑफ है। तो दोस्तों पहले यहाँ पे बता दें जनरल वालों के लिए यहाँ पे 60 to 70% आपको जो कि कट ऑफ होने वाला है, 60 to 70% मार्क्स। तो दोस्तों इसके आसपास अगर आपका जो मार्क्स होता है, अगर आपका मार्क्स अगर इसके अंदर आसपास होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों सिकंदराबाद के लिए 60 एंड उससे ज़्यादा जो यहाँ पे चंडीगढ़ है उसके लिए भी यहाँ पे 70 मार्क्स होने वाला है कट ऑफ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि OBC वालों के लिए क्या है। तो दोस्तों OBC वालों के लिए यहाँ पे 55 जो होने वाला है यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स OBC के लिए 55 एंड इससे साथ साथ दोस्तों SC ST को भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। SC के लिए यहाँ पर दोस्तों आपको SC के लिए यहाँ पे आपको 50% आपको 52
से 55 तक आपका जो कट ऑफ है एससी वालों के लिए हो जाएगा। तो दोस्तों इसके आसपास अगर आपका जो नंबर है तो अगर आता है तो आपका सिलेक्शन आप लोग पक्की समझ लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊँगा कि एसटी वालों के लिए भी क्या है। तो दोस्तों एसटी वालों के लिए भी यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि जो लोग एसटी है उन लोगों के लिए यहाँ पर आपको 45 से 50 तक अगर आपके पास मार्क्स है तो आप लोग सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये था जो हाई जोन था, हाई जोन के अंदर जो जो कट ऑफ होने वाला था उसका डिटेल। उसके बाद दोस्तों हाई जोन के फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या है, चंडीगढ़, मुंबई, इलाहाबाद, गोरखपुर एंड सिकंदराबाद। तो इसके अंदर के जो जो कैंडिडेट हो रहते हैं उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दिया कट ऑफ मार्क्स क्या होने वाला है। ये मेन कट ऑफ मार्क्स होने हो गया है, तो दोस्तों ध्यान रखें उसके बाद ही आपको सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों उसके साथ साथ दोस्तों इसके बाद जो मीडियम जोन है उसको भी मैं डिटेल्स में बताऊंगा। मीडियम जोन में क्या क्या आता है उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों पहले आता है मीडियम जोन में यहाँ पे कोलकाता आता है। तो दोस्तों मीडियम जोन में कोलकाता सिटी एंड अजमेर, चेन्नई, भोपाल एंड बेंगलोर। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि मीडियम जोन जो है यहाँ पे मीडियम कट ऑफ होने वाला है, जिसके अंदर आपका जो मार्क्स होने वाला है जनरल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे आपको जनरल ओबीसी एंड एससी एसटी के लिए भी आपको सेम फर्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मीडियम कट ऑफ होने वाला है। जनरल वालों के लिए 55 से 60% आपको यहाँ पे कट ऑफ होने वाला है। उसके बाद आपको ओबीसी के लिए आपको यहाँ पे 50 से 55% आपका कट ऑफ होने वाला है। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 55 जो होने वाला है कोलकाता एंड 54 बेंगलोर, जो कि बेंगलोर सबसे मीडियम जोन में है लास्ट में। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एससी के लिए क्या है। दोस्तों एससी के लिए यहाँ पे आपको 45 से 50 तक आपका कट ऑफ होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों नॉर्मलाइजेशन भी ऐड होगा। तो दोस्तों इसके बाद एसटी के बात करें तो यहाँ पे आपको एसटी के लिए 42+ तक आपका जो कट ऑफ है वो रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक्स्ट्रा जो आपको मार्क्स आएगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आपको आएगा। तो दोस्तों जो लोग यहाँ पे अभी भी आप लोग फिजिकल के लिए आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप लोग जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर दीजिएगा, क्या करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। तो दोस्तों इसके बाद आप लोगों को बता देता हूँ कि लो जोन जो है उसके अंदर क्या क्या होगा। तो दोस्तों ये है आफ्टर जो कि नॉर्मलाइजेशन है उसके साथ आपको यहाँ पे ऐड होगा 10 से 15 मार्क्स। तो दोस्तों इसके साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ कि लो जोन में क्या क्या है, लो जोन में आपको कौन सा कैटेगोरी में कितना कट ऑफ होने वाला है, कौन सा सिटी में क्या होगा, उसको भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों लो जोन में है यहाँ पे आप लोगों को पहले आप लोगों को बता देता हूँ, लो जोन में पहले ही है यहाँ पे भुवनेश्वर एंड उसके बाद है गुवाहाटी एंड उसके बाद है रांची, उसके बाद है पटना। तो दोस्तों उसके बाद है बिलासपुर। तो पहले यहाँ पे है भुवनेश्वर, गुवाहाटी, रांची, पटना एंड बिलासपुर। तो भुवनेश्वर में जो कि होने वाला है लो जोन में, इसको मैं रखा है 5 जो सिटी है लो जोन में रखा है, जिसमें से आप लोगों को पहले भुवनेश्वर में मिलेगा, जिसमें अंदर जनरल कैंडिडेट के लिए 50 से 55 तक आपको यहाँ पे कट ऑफ होने वाला है। 55 फॉर भुवनेश्वर होगा एंड 54 बिलासपुर फॉर जनरल कैंडिडेट। ध्यान रखें दोस्तों ये जनरल कैंडिडेट है। उसके बाद दोस्तों ओबीसी के लिए यहाँ पे 47 से 50 तक आपको 52 तक आपको यहाँ पे आपको कट ऑफ होने वाला है, 52 भुवनेश्वर एंड 47 फॉर बिलासपुर। तो दोस्तों इसके साथ साथ एससी के लिए भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 44 से 49 तक आपको यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ एसटी के क्या कट ऑफ होने वाला है। तो दोस्तों एसटी के लिए भी आपको यहाँ पे आपका 40+ आपको यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स रहेगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, बार बार मैं एक ही बात आप लोगों को बता देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आपका जो मार्क्स है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा, जो कि ऐड होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो ये था जो जोन वाइज जो कि मैं हाई एंड मीडियम एंड लो जोन वाइज जो
डिवाइडेड करके जो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपके अंदर ये इसका अनुमानिक अगर आपका मार्क्स आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड।